भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की भीलवाड़ा और जयपुर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव के घर पर छापा मारकर 5 लाख रुपए से अधिक की नकदी और साथ ही उनके भाई के आवास से भी 12 लाख रुपए से की अधिक की राशि बरामद की। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि एसीबी को जानकारी मिली थी कि तहसीलदार राजस्व मामले में रिश्वत लेकर फैसला कर रहे हैं। इस मामले की तफ्तीश करते हुए तहसीलदार सहित 2 अन्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि भीलवाड़ा के तहसीलदार लालाराम यादव जमीनों से संबंधित प्रकरणों में संबंधित पक्षकारान को अवैध फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत की मांग करते थे और एक कैलाश धाकड़ करके दलाल है उसके मार्फत रिश्वत कहते थे। हमारी टीम ने निगरानी रखी उन पर और इसी निगरानी के दौरान पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने किसी निकट परिजन के खाते में 3 लाख रुपये एक पक्षकार से लिए हैं। इस सूचना को और डेवलप करते हुए और हमने कुछ सूत्र एकत्रित किए और उसके आधार पर कल हमने एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। आज 4 जगह पर तलाशी हुई है। लालाराम तहसीलदार के घर पे 5,37,000 रुपये कैश बरामद हुए हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और कैलाश धाकड़ जो दलाल के रूप में काम करते हैं बिजोलिया में रहते हुए उनके पास 12 लाख से अधिक कैश और कुछ कागज और कुछ दस्तावेज मिले हैं।